यू आर ओमनी स्टार ना? नहीं। अरे ओमनी स्टार भैया, लव यू ब्रो, लाल दिल। नहीं भाई, तुम ओमनी स्टार हो मैं जानता हूँ। तो भाई देखो, कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट कर करके परेशान कर दिया कि भाई तू ओमनी स्टार है, तू ये है, तू वो है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं फैंटेन के हूँ, ना कि ओमनी स्टार। लेकिन अगर आपने ऐसा ही सपोर्ट आगे भी बनाए रखा तो हम ओमनी स्टार भाई को भी जल्दी ही लेके आएंगे चैनल पे। तो चलो अब इन सब चीजों से बाहर निकलते हुए हम वापस आते हैं हमारी आज की वीडियो के टॉपिक पे, जो की है टॉप 15 बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ बेन 10 रीबूट। यानी कि आज की वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूँ बेन 10 रीबूट में दिखाए गए सभी बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस को। लेकिन किसी के पूछने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने मूवीज के ट्रांसफॉर्मेशंस को नहीं लिया। यानी कि मैंने इस वीडियो में बेन 10 रीबूट के सीजन 1 से लेके सीजन 4 तक के सभी ट्रांसफॉर्मेशंस को लिया है। और मैंने बेन 10 रीबूट की मूवीज के ट्रांसफॉर्मेशंस को इस वीडियो में इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मैं मूवीज के ट्रांसफॉर्मेशंस को तो पहले ही एक वीडियो में रैंक कर चुका हूँ। तो अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन से बाद में देख लेना। पर आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का लाइक एम है 1600 लाइक्स का और कमेंट्स का एम है 600 कमेंट्स। तो अब लाइक और कमेंट की बात हो गई तो अब वीडियो को बिना और देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 15 जेट रे। जेटरे के इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले बेन के हाथ जेटरे के हाथ में ट्रांसफॉर्म होते हैं और फिर बेन घूमकर पूरा ही जेटरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इसके अलावा हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया, इसलिए जेटरे हमारी लिस्ट में नंबर 15 पर है। नंबर 14 स्टिंग फ्लाई। सबसे पहले तो बेन पूरे एक ककून जैसी चीज में कवर हो जाता है और फिर स्टिंग फ्लाई उसको फाड़ कर ऐसे बाहर निकलता है। और ओमनी इनहेंस स्टिंग फ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी अच्छा था, जिसमें स्टिंग फ्लाई का पूरा लुक ही चेंज हो गया। नंबर 13 शॉक रॉक। शॉक रॉक के हमें 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस दिखाए गए हैं। पहले वाले में बेन के ऊपर बिजली गिरती है और फिर बेन की गर्दन और पूरी बॉडी पर ही शॉक रॉक के ये पत्थर चिपक जाते हैं, जो कि काफी औसम था। और दूसरे वाला भी ठीक ठाक था, लेकिन मुझे ओमनी किक्स आर्मर वाला ज्यादा पसंद आया क्योंकि ये जो आर्मर शॉक रॉक की बॉडी पर चढ़ता है ये देखने में बहुत ज्यादा औसम है। आपको इन तीनों में से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 12 अब स्लैप बैक को मैंने नंबर 12 पर इसीलिए रखा क्योंकि इसका जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें भी ऐसा लगता है कि जैसे बेन के ऊपर कोई आर्मर चढ़ रहा हो। और जो ओमनी किक स्लैप बैक वाला ट्रांसफॉर्मेशन था वो थोड़ा कॉमेडी जरूर था, लेकिन उसका जो आर्मर वाला पार्ट है वो काफी अमेजिंग था। तो अब स्लैप बैक के बाद आते हैं हमारे नंबर 11 के पास, जो कि है गैक्स। गैक्स के ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले बेन का हार्ट ट्रांसफॉर्म होता है, फिर पैर और फिर पूरी बॉडी ही गैक्स की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब गैक्स का ये ट्रांसफॉर्मेशन इस लिस्ट में मेरा पर्सनल फेवरेट है। और अगर मैं बेन 10 रीबूट के सीजन 1 के ट्रांसफॉर्मेशंस को रैंक कर रहा होता तो उसमें मैं गैक्स को नंबर 1 पर रखता। लेकिन क्योंकि गैक्स का हमें कोई ओमनी एनहेंस या ओमनी किक्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाया गया और क्योंकि मैं बेन 10 रीबूट के सीजन 1 से लेके सीजन 4 तक के सभी ट्रांसफॉर्मेशंस को रैंक कर रहा हूं, इसीलिए मुझे मजबूरन गैक्स के ट्रांसफॉर्मेशन को लिस्ट में नीचे रखना पड़ा। नंबर 10 ह्यूमंगसोर। सबसे पहले बेन के हाथ ह्यूमंगसोर के हाथ में तब्दील हो गए और फिर बेन की लंबी सी पूंछ निकल आई, उसमें से कांटे भी निकल आए और फिर बेन का चेहरा भी ह्यूमंगसोर के चेहरे में बदल गया। और ह्यूमंगसोर का ओमनी किक्स आर्मर वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी ठीक ठाक था, जिसमें हमें ज्यादा कुछ तो नहीं दिखाया गया, लेकिन फिर भी ये इतना कैपेबल तो है कि नंबर 10 की पोजीशन पर आ पाए। नंबर 9 रैथ।
रात का ये जो नॉर्मल वाला ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो अच्छा था ही, लेकिन मुझे जो ओमनिक एक्स वाला था वो ज्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि जिस तरह से पूरा का पूरा आर्मर रात को कवर करता है उसके एनिमेशन देखने में काफी ज्यादा कमाल के लगते हैं। नंबर 8, ओवरफ्लो। इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले बेन के हाथ ओवरफ्लो के हाथ में ट्रांसफॉर्म हुए और फिर पैर, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो खासियत है वो है इसका स्मूथ एनिमेशन और इसके साउंड इफेक्ट्स, और इसका ओमनी एनहेंस फॉर्म वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छा था। नंबर 7, वाइल्ड वाइन। वाइल्ड वाइन के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अच्छी डिटेलिंग दी गई है, जहां हमें बेन डिटेल में वाइल्ड वाइन में ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखता है, पर जो ओमनी एनहेंस्ड वाला वाइल्ड वाइन का ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो और भी ज्यादा मजेदार है, जहां जो वाइल्ड वाइन की बेले हैं वो कंबाइन हो जाती है, और शॉक रॉक के कॉम्बिनेशन के साथ तो वाइल्ड वाइन का लुक कुछ कुछ क्लासिक वाले वाइल्ड वाइन जैसा ही हो जाता है, जो कि मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। नंबर 6, डायमंड हेड। शुरुआत में ही हमें बेन पूरी डिटेलिंग के साथ डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाया गया, और इसका जो ओमनी एनहेंस वाला ट्रांसफॉर्मेशन था वो भी अच्छा था, पर जो ओमनी किक्स डायमंड हेड वाला ट्रांसफॉर्मेशन था वो काफी ज्यादा कूल था, और इसी कूलनेस के साथ डायमंड हेड हमारी लिस्ट में नंबर 6 की पोजिशन पर आ पाया। नंबर 5, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस में हमें बेन ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होते हुए बड़ी डिटेलिंग में दिखाया जाता है, और इसका जो स्मूथ एनिमेशन है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है, और इन ट्रांसफॉर्मेशन के जो साउंड इफेक्ट है वो थोड़े अजीब जरूर लगते हैं, लेकिन इसका जो ओमनी एनहेंस ग्रे मैटर वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मुझे सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा, जिसमें जो ग्रे मैटर की बॉडी है उसके ऊपर शॉक रॉक के रॉक्स एक आर्मर की तरह आ जाते हैं, और फिर ग्रे मैटर का पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। नंबर 4, हीट ब्लास्ट। इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले बेन की पूरी बॉडी पर ये मैग्मा या पत्थर या जो भी तुम कहना चाहो वो चिपक जाता है, और फिर बेन अपने हाथ पैर और अपनी मुंडी को ऐसे तोड़कर बाहर निकालता है, जिसको देखने में मजा ही आ जाता है। हाँ, ओमनी इनहेंस वाले हीट ब्लास्ट के ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दिखाया गया, लेकिन इसका जो ओमनी किक्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन है वो मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगा, और इसमें भी जो ये पैर वाला सीन था ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। और अब हीट ब्लास्ट के बाद हमारी लिस्ट में सिर्फ 3 ही एलियन बचे हैं, यानी कि टॉप 3। तो अगर आप गेस कर सकते हो कि टॉप 3 पर कौन कौन से एलियंस के ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, तो अभी कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ। तो अब कमेंट कर दिया होगा, तो अब वीडियो को आगे देखते रहो, पता चल ही जाएगा। नंबर 3, फोर आर्म्स।
देखो अगर इसे कंपेयर करने जाए क्लासिक वाले से, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस क्लासिक वाले के सामने कहीं पर भी नहीं टिकता। शायद उन्होंने इसे फनी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये उतना अच्छा भी नहीं लग रहा। हाँ, ओमनी इनहेंस वाले में इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेने की कोशिश की, जो कि मुझे अच्छा लगा। और ये जो फोर आर्म्स और शॉक रॉक का कॉम्बिनेशन है, ये देखने में तो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता ही है, लेकिन मुझे ये तो कहना ही पड़ेगा कि फोर आर्म्स को इस पोजीशन पर लाने का सबसे ज्यादा जिसको क्रेडिट जाता है वो है ओमनी किक्स फोर आर्म्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन। इस पूरे ही आर्मर सूटअप वाले सीक्वेंस को इतनी ब्यूटीफुली एनिमेट किया गया है कि मैं क्या ही डिस्क्राइब करूं। आपने जब इसे पहली बार देखा होगा तो आपको भी अच्छा लगा ही होगा। तो अब बहुत हो गई इसकी तारीफ, तो अब चलते हैं अपने नंबर टू की तरफ। नंबर टू, एक्सेलरेट। पहले ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस में बेन बड़ी तेजी से एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म हो गया, और एक्सेलरेट का ओमनी इनहेंस वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी अच्छा था, जिसके साउंड इफेक्ट्स के साथ साथ इसके एनिमेशन भी गजब के थे। और आखिर में जो ओमनी किक्स आर्मर वाला ट्रांसफॉर्मेशन था एक्सेलरेट का, वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर था। खासकर ये वाला पार्ट तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा। तो अब फाइनली आ जाते हैं हम अपने नंबर वन की तरफ। नंबर वन, कैनन बोल्ट। अब देखो, मैंने कैनन बोल्ट के ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस को नंबर वन पर इसीलिए रखा क्योंकि इसके जो एनिमेशन है वो कुछ ज्यादा ही स्मूथ है। इसके ओमनी इनहेंस फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन ठीक ठाक है, लेकिन ओमनी किक्स वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो एकदम गदर है। और सिर्फ इसका ओमनी किक्स ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, बल्कि कैनन बोल्ट के हर ट्रांसफॉर्मेशन में अच्छे एनिमेशन, बहुत अच्छी डिटेलिंग और साउंड इफेक्ट्स की वजह से ही कैनन बोल्ट हमारी लिस्ट में नंबर वन पर आ पाया है। पर ये तो थी मेरी लिस्ट, और अगर तुम्हारा फेवरेट एलियन इस लिस्ट में नंबर वन पर नहीं आ पाया तो तुम अपनी लिस्ट को मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और मैंने ऐसे ही सभी ट्रांसफॉर्मेशन को रैंक करते हुए पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें आई बटन में मिल जाएगा, या फिर तुम लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हो। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलना कि ये वीडियो कैसा लगा। और अब मैं तुम्हें राज बता ही देता हूँ कि फैन 10 के ही है ओमनी स्टार।